ऊना के बनौड़े महादेव मंदिर जहां एक खंडित शिवलिंग के रूप में भगवान शिव पार्वती विराजमान है। पांडवों द्वारा निर्मित इस मंदिर में सच्चे मन से अगर कोई भक्त शिवलिंग का जल से अभिषेक करे तो उसकी मुराद पूरी हो जाती है। शिवलिंग बीच से कटा हुआ है। कहते हैं कि इसके ओर एक ओर भगवान शिव और दूसरी तरफ माँ पार्वती विराजमान है। सावन माह के पहले सोमवार को बनौड़े महादेव मंदिर और कोटला कूला ऊना में भक्तों का तांता लगा हुआ और श्रद्धालुओं द्वारा भगवान शिव की पूजा अर्चना की जा रही। ऊना के बनौड़े महादेव मंदिर में सावन के पहले सोमवार को भक्तों की भीड़ लगी हुई है। लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए सुबह से ही लाइनों में लगे हुए हैं। हिमाचल के ऊना शहर से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित प्राचीन काल का यह एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव पार्वती एक खंडित शिवलिंग के रूप में विराजमान है। कहते कि इस मंदिर का निर्माण प्राचीन काल में पांडवों ने करवाया था। ऐसी मान्यता है कि आज जहां पर मंदिर है कभी वहां पर एक राक्षस रहता था जो देवताओं को काफी परेशान करता था। इस राक्षस को भगवान ब्रह्मा से वर प्राप्त था कि न तो उसे कोई नर मार सकता है और न ही कोई नारी। इसी वर के अभिमान में चूर वो राक्षस देवताओं को परेशान करता था। तब भगवान शिव ने इस राक्षस के जुल्म से देवताओं को छुटकारा दिलाने के लिए अर्धनारीश्वर का अवतार लिया और इसी स्थान पर उस राक्षस का वध किया, जिसके बाद भगवान शिव माँ पार्वती के साथ अर्धनारीश्वर के रूप में सदा के लिए खंडित शिवलिंग के रूप में विराजमान हो गए। बाद में पांडवों ने यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण करवाया। आपको बता दें कि यहाँ पर 108 फीट लंबी भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा को स्थापित किया गया, जिस कारण बड़ी दूर दराज से लोग यहाँ भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने पहुँचते हैं। बनौड़े महादेव की पंडित जी से पूछते हैं, बनौड़े महादेव की जी के बारे में, जिनकी महिमा के बारे में पंडित बताइए जी। जय शंकर जी, हर हर महादेव। सभी भक्तजनों को श्रावण मास के जेठे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शंकर की कृपा दृष्टि सभी भक्तों पर रहे। आज हम यहाँ बनौड़े महादेव प्राचीन जो पांडवों द्वारा स्थापित मंदिर, यहाँ पे जो पांडवों द्वारा जो यहाँ पे जो शिवलिंग है वो अर्धनारीश्वर स्वरूप में, और भगवान भोलेनाथ भी यहाँ पे विराजमान है। क्योंकि यहाँ पे भगवान भोलेनाथ दो रूपों में विराजमान है, एक तो शंकर रूप में है, दूसरे अर्धनारीश्वर रूप में है। आप भी जानते ही होंगे, सभी भक्तजनों से विनती है कि यहाँ पर जो भी भक्त यहाँ पर अपनी मुराद लेकर आता है तो भगवान शंकर उनकी मुराद अवश्य ही पूरी करते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप पहले भी देख चुके होंगे कि यहाँ पे दूर दूर से श्रद्धालु लोग आते हैं। आज भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भक्तों की कितनी भीड़ लगी हुई है। तो यहाँ पर सब व्यवस्था भक्तों के, भक्त वालों के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है फलहार की, और यहाँ पर हर तरह की सुविधा उपलब्ध की गई है। क्योंकि यहाँ पर भगवान महादेव की अत्यंत कृपा दृष्टि है, जो भी भक्त यहाँ पर अपनी मनोकामना लेके आता है वो तो स्वयं ही भगवान उसकी मनोकामना सिद्ध करते हैं। N1 Live की स्पेशल रिपोर्ट।